तो गणेश जी के अगर हम एक एक अंग को देखें, वो हमें सही जीवन जीने का तरीका और ज्ञान को अपने जीवन में कैसे लाना है उसकी धारणा सिखाता है। सबसे पहली चीज़ जो सर है, मस्तिष्क, वो बहुत बड़ा, मतलब विजडम एंड विशाल बुद्धि। फिर दूसरी चीज़ जो आंखें हैं, वो बहुत छोटी, सर इतना बड़ा, आंखें इतनी छोटी। तो जो वाइज होगा, जो वाइज इंटेलेक्ट होगा, वो दूरादेशी होगा। जब हम कोई चीज़ दूर देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो दूर देखकर फिर कर्म करना, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। लेकिन कर्म करने से पहले उस कर्म के परिणाम के बारे में सोच कर फिर कर्म करना, तो वाइज इंटेलेक्ट एंड फार साइटेडनेस। फिर मुंह छोटा के कम बोलना, लेकिन कान बड़े ज्यादा सुनना, तो टॉक लेस एंड लिसन मोर। अब कान सिर्फ बड़े नहीं हैं, कान सूप जैसे हैं। तो सूप क्या करता है? छन्नी का काम करता है, अच्छी चीज़ को रखता है, कचरे को फेंक देता है। तो कान सूप जैसे हो, मतलब सिर्फ अच्छी बातों को ग्रहण करें, दूसरी बातों को तो अंदर जाने भी ना दें। दुनिया में लोग कहते हैं एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हमने सुन लिया तो वो अंदर तो चला ही गया ना। तो अगर एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, लेकिन बीच में ये आती है बुद्धि और यहाँ उसकी बात की छाप लग जाती है, तो सुनना ही नहीं है। आज मीडिया से, सोशल मीडिया से, आसपास के लोगों से हम कितनी बातें सुन रहे हैं, सुनते ही जाते, सुनते ही जाते, सुनते ही जाते, मैसेज आफ्टर मैसेज आफ्टर मैसेज सुनते ही जा रहे हैं, अंदर लेते ही जा रहे हैं। अगर हम इतना कुछ अंदर ले लेंगे और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? तो हमेशा कान सूप जैसे, सिर्फ प्योर कंटेंट, अच्छी बातें, लोगों की विशेषताएं, सिर्फ उनको ही सुनना है और अंदर लेना है। फिर गणेश जी के दो दांत हैं, लेकिन एक टूटा हुआ दिखाते हैं, एक दंत, वन टस्क इज ब्रोकन। इसका क्या मीनिंग है? एक दंत क्यों कहा जाता है? हमारे जीवन में ड्यूअलिटी है, मेल फीमेल, रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ड्यूअलिटी, एज बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, प्रोफेशन बेसिस पे, सीनियोरिटी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जहाँ बॉडी कॉन्शियस होंगे, जहाँ ईगो होगा, वहाँ ड्यूअलिटी होगी। परमात्मा आकर जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहली बात क्या सिखाते हैं? मैं आत्मा, तुम आत्मा, सारी ड्यूअलिटी खत्म, वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक। ये जो ड्यूअलिटी है ये सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस से खत्म होती है। तो जब वो विजडम जीवन में आ जाए तो ड्यूअलिटी खत्म, इसलिए एक दंत, दो नहीं। फिर गणेश जी की सूंड दिखाते हैं। सूंड की क्या विशेषता है? कि वो एक पेड़ को भी उखाड़ लेता है, लेकिन एक बच्चे को भी बहुत प्यार से उठा लेता है। वो ही सूंड से पेड़ भी उखाड़ा, वो ही सूंड से बच्चे को भी उठाया, विच मीन्स आत्मा जो वाइज बन जाएगी, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी धारण हो जाएगी, जो सोल कॉन्शियस हो जाएगी, वो बहुत सॉफ्ट भी होगी, बहुत लविंग भी होगी, लेकिन बहुत पावरफुल भी होगी। कई बार हमारे अंदर एक भ्रांति आती है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हम बहुत वीक हो जाएंगे, पॉजिटिविटी मतलब दुनिया हम पर ट्रैम्पल करके आगे बढ़ जाएगी। अगर हम बहुत सीधे होंगे, सादे होंगे, तो लोग हमें धोखा दे देंगे। But that's not true. Spirituality means the perfect balance of soft but powerful, love and law. ये दोनों का balance वो सूंड दिखाता है। फिर गणेश जी देवता हैं, लेकिन उनका पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं के जो शरीर है वो परफेक्ट दिखाते हैं, कंचन काया, लेकिन गणेश जी का पेट इतना बड़ा दिखाते हैं। जो वाइज आत्मा है वो हर बात को अपने पेट में समा लेती है। आज भी अगर कोई बात हर एक को सुनाता रहता है तो लोग कहते इसके पेट में बात ही नहीं टिकती है, लेकिन गणेश जी के पेट को बड़ा दिखाते हैं, मतलब वो हर बात को अपने पेट में समा लेते हैं। इधर से सुना, उधर सुनाया, ये ज्ञान रूपी आत्मा की क्वालिटी नहीं होती है।
और बड़ा पेट ऑल्सो सिग्निफाइज द पावर टू एक्सेप्ट। हर एक से मिलें, हर एक के साथ काम करें, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन हर एक को एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं, तो पेट बड़ा।